हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बॉलीवुड फिल्म काबिल का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। साथ में हम आपको ये बताने वाले हैं कि फिल्म चाइना में कितने सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है और जो चाइना के क्रिटिक्स हैं इस फिल्म के बारे में क्या बोलते हैं। चाइना के क्रिटिक्स ने इस फिल्म को देखा और इस फिल्म को देखते हुए उन्होंने इस फिल्म को रिलीज करने की मांग कर दी और इस फिल्म को देखते ही उन्होंने इंडियन सिनेमा से, इंडियन इंडस्ट्री से इस फिल्म को चाइना में रिलीज करने की मांग की। दोस्तों, फिल्म रिलीज हो रही है चाइना बॉक्स ऑफिस में 15,000 सिनेमाघरों में, ये बहुत बड़ी रिलीज मिल रही है इंडियन बॉक्स ऑफिस को चाइना के बॉक्स ऑफिस पे। दोस्तों, फिल्म काफ़ी अच्छी है और चाइना के क्रिटिक्स ने इस फिल्म को काफ़ी तारीफ की है जो कि रिलीज हो रही है चाइना बॉक्स ऑफिस पे 5 जून को। आइए बात करते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चाइना को छोड़ के, क्योंकि चाइना का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आने भी बाकी है। तो दोस्तों, फिल्म को प्रोड्यूस किया था राकेश रोशन ने, फिल्म को डायरेक्ट किया था संजय गुप्ता जी ने। दोस्तों, फिल्म रिलीज हुई थी इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 25 जनवरी 2017 को। फिल्म में लीड रोल में थे ऋतिक रोशन, यामिनी गौतम और बहुत से बेहतरीन कलाकार। तो ये बात करते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, फिल्म ने अपने इंडियन बॉक्स ऑफिस पे कमाई की थी 127 करोड़। फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 192 करोड़। फिल्म का बजट था 55 करोड़ रुपये और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट साबित हुई थी। दोस्तों, आपको लगता है फिल्म चाइना बॉक्स ऑफिस पे कितनी कमाई कर सकती है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किसी लेटेस्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए एंटरटेनमेंट फॉर यू।